हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन विद डी वी सर टुडे वी विल डिस्कस सोम पी वाई क्यू बाई ट्रिक मैथड लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्राम टू थाउजेंड नाइनटीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखो सेट वन सेट टू दिस साइड में हमको राइटर्स के नाम दिए हुए है और ये साइड में जो है ये साइड में ये उनका राइटिंग दिया हुआ है तो कैसे हम इसको मैच करेंगे तो यहां पर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे कौन सा ट्रिक तो देखिए पहले ये जिड्डू कृष्ण मूर्ति का देखते हैं जिड्डू कृष्ण मूर्ति जिड्डू कृष्ण मूर्ति इससे याद करेंगे हम जिद कृष्ण और मूर्ति ओके जिड्डू कृष्ण मूर्ति से जीत कृष्ण मूर्ति तो कोई भी भक्त होगा तो अगर कृष्ण मूर्ति के सामने भगवान के सामने अगर जीत कर ले जीत पकड़ ले तो उसको मुक्ति देने में फ्रीडम फ्रीडम देने में भगवान क्या करेंगे बाउंड हो जाएंगे तो ऐसे याद करेंगे जिड्डू कृष्ण मूर्ति से हो जाएगा द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम ओके फिर सी है महात्मा गांधी महात्मा गांधी से एक आ रहा है महात्मा ओके okay? महात्मा लोग जो होते हैं वो ट्रुथ के राह पर चलते हैं सत्य के राह पर चलते हैं तो ऐसे हम याद करेंगे महात्मा गांधी से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ओके फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर की है रविंद्रनाथ टैगोर ये होगा गीतांजलि कैसे होगा रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े राइटर्स थे वो बहुत सारे गीत भी लिखते थे पोएम्स लिखते थे उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिसको हम राष्ट्रगान के रूप में भी याद करते हैं जैसे कि जनगणमना हम राष्ट्र नेशनल एथेंस के रूप में याद करते हैं वैसे बांग्ला का भी एक है बांग्लादेश का मेरा सोनार बांग्लादेश उसको भी बांग्लादेश का नेशनल एथेंस के रूप में माना जाता है तो इनके गीत बहुत फेमस है तो रविंद्रनाथ टैगोर से हम याद करेंगे गीत ओके ये गीत को याद करेंगे गीत से गीतांजलि याद आए ओके और लास्ट जो है हमारे स्वामी विवेकानंद विवेकानंद वास्तव तो में देखें तो ये मॉडर्न इंडिया के एक मॉडर्न क्या है मॉडर्न मॉन्क है स्वामी विवेकानंद जी को हम मॉडर्न मॉन्क के हिसाब से मॉडर्न इंडिया से रिलेट करेंगे ओके तो कैसे याद किया जिडो कृष्ण मूर्ति से याद आया फ्रीडम फ्री free, ओके महात्मा से याद आया ट्रुथ के राह पर फिर रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्र गीत लिखते थे गीतांजलि विवेकानंद है मॉडर्न मॉन्क ओके ऐसे करके हम याद करेंगे फिर दूसरे है ये 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कुछ राइटिंग्स और यहाँ पर राइटर्स के नाम दिया हुआ है ओके तो हमने अभी याद किया महात्मा गांधी महात्मा किस राह पर चलते हैं ट्रूथ के राह पर चलते हैं तो महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ फिर देखो रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्र टैगोर टेगोर टैगोर से हम क्या याद करेंगे टैगोर से याद करेंगे टाइगर और टाइगर आएगा तो हम कहाँ छुप जाएंगे होम में छुप जाएंगे वर्ल्ड के सारे क्या हो जाएंगे वर्ल्ड के सारे चुप जाते हैं नहीं तो टाइगर खा जाएगा तो होम से हम याद करेंगे टेगोर को द वर्ल्ड द होम एंड द वर्ल्ड ओके फिर आया अरविंदो अरविंदो से याद आएगा औरो, औरत 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 को क्या देंगे हम बींदो ओके okay? औरत को बीन देंगे तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा डिवाइन हो जाए तो लाइफ डिवाइन क्या है लाइफ डिवाइन से याद आएगा और से याद आएगा लाइफ डिफाइन ओके फिर है स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद जी का है क्या वर्तमान भारत ओके वर्तमान भारत स्वामी तो विवेकानंद जी से क्या याद करेंगे वर्तमान भारत तो क्या क्या हो गया ए से हो गया आई भी ए से आई भी कौन है ये है आ ये होगा और नहीं तो ये होगा क्योंकि ए से आई भी ये है ये आई ए से आई भी ये भी है बी रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर से हो गया ट्रिपल आई बी से ट्रिपल आई इसमें है इसमें भी है ट्रिपल आई तो सी देखते हैं सी औरविंदो औरविंदो से लाइफ डिवाइन है या आई आई ये है ये है ये नहीं है तो ये होगा ओके हमारा उत्तर होगा ये और डी हुआ स्वामी विवेकानंद जो रह गया है वर्धमान वर्तमान भारत ओके तो मॉडर्न मोंग के हिसाब से हम याद रखे थे तो ये मॉडर्न मोंग का हो गया फिर वर्तमान भारत से भी हम याद रख सकते हैं तीसरा है विच ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी हैज़ ए डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर डिसाइडिंग ट्रां ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटर्जी फॉर करिकुलम ये भी टू का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटर्जी ओके ट्रांजेक्शन ये वर्ड को हम याद करेंगे ट्रांजेक्शन हो गया प्रोसेस हो गया नॉलेज की बात हो गया ये एक ही से रिलेट करता है एपिस्टोमोलॉजी लेकिन इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से देखो एपिस्टोमोलॉजी में है एपिक एपिक ओके एपिस्टोमोलॉजी हो रहा है तो एपिक वाड़ा आ रहा है एपिक और एपिक हमारे इंडिया में दो फेमस एपिक है एक है महाभारत ओके एक है महाभारत और दूसरा है रामायण ओके तो महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ है ये ऐसे रचनाएं हैं जो ये जेनरेशन टू जेनरेशन क्या कर रहा है ट्रांजिट कर रहा है इससे वार्ड लेंगे हम ट्रांजिट ओके ट्रांजिट कर रहा है क्या कर रहा है ये ट्रांजिट कर रहा है क्यों ट्रांजिट कर रहा है क्योंकि इसका नॉलेज जो है ये जो नॉलेज है बहुत अभी भी रेलिवेंस है एक ब्रदर को क्या करे भाई का कर्तव्य क्या है एक पिता का कर्तव्य क्या है सभी एक राजा का कर्तव्य क्या एक पत्नी का धर्म क्या ये सारी चीजें रामायण में आप पाएंगे महाभारत में पाएंगे ये ऐसे एपिक है जो यह कल्चरल रीति से ट्रांजिट होते आ रहा है अभी भी देखो लॉकडाउन जो हुआ गवर्नमेंट ने क्या देखने के लिए कंपलसरी कर लिया महाभारत और रामायण तो ट्रांजिट से हम याद रखेंगे ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी ओके फिर आ गया चार ये भी 2020 का एक क्वेश्चन है 2020 का तो ये दिया हुआ है सावित्री बुक जो बुक सावित्री है किसने लिखी है ओके उत्तर तो है औरविंदो लेकिन हम कैसे रिलेट कैसे करेंगे देखो औरविंदो से आ रहा है औरत और बिंदो ओके विंदो विंदो से हम याद करेंगे बिंदी औरत की बिंदी ओके औरत की बिंदी अर्थात कौन सी औरत की बिंदी कभी नहीं मिटी कौन सी औरत की बिंदी कभी नहीं मिटी वो है सावित्री क्यों हमारे हिंदू धर्म में है ना सावित्री जब उनके पति सत्यवान का डेथ हुआ तो वो खुद जाकर यमराज से भी लड़ गए और क्या किया क्या किया ना उनका जीवन फिर से वापस ले आए ओके तो हम याद करेंगे औरविंदो से औरत और बिंदी औरत और बिंदी कौन सी औरत की बिंदी नहीं मिट पाई ना सावित्री ऐसे करके हम औरविंदो से याद करेंगे द बुक सावित्री ओके तो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ है ए टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द दोप्रिएट टीचिंग मेथड्स फॉर द ट्रांजेक्शन अभी देखो सेम क्वेश्चन आया है क्योंकि पिछले जो आया था 2020 में वही क्वेश्चन है घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहा है ये 2019 का क्वेश्चन ऑफ ए कॉन्टेंट ट्रांजिट करता है अभी पढ़ा ना हमने ट्रांजिट करता है कौन ट्रांजिट करता है एपेस्टोमोलॉजी जो एपिक है एपिक ग्रंथ है क्या क्या हमने पढ़ा महाभारत और रामायण ये ट्रांजिट करते आ रहा है ये एपिक ग्रंथ क्या करते आ रहा है ट्रांजिट करते आ रहा है तो ट्रांजेक्शन से हम याद करेंगे ट्रांजिट और एपिस्टोमोलॉजी से याद करेंगे एपी। तो उत्तर हो जाएगा एपिस्टोमोलॉजी फिर सिक्स है एजुकेशन हेल्प इन द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस कॉल द जेनोस्टिक बींग इन टर्म ऑफ होज फिलोसॉफिकलेशन तो ये 2018 का क्वेश्चन है तो इसमें पूछ रहा है कि जो किसने कहा है कि जो एजुकेशन है वो हमको हेल्प करता है ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करने से फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट को अटेंड करने में एजुकेशन हेल्प करता है किसने कहा है तो एक्चुअल इसका उत्तर है और अविंदो ने कहा है तो हम कैसे याद कैसे रखेंगे देखो औरत नाम से ही हमको कनेक्ट करना है औरत बीन दो औरत को जब बीन देंगे तो बीन बजाएगा और बीन बजाने से क्या होता है सोए हुए स्नैक स्नेक क्या हो जाती है जाग जाते हैं तो ऐसे फटाफट जाग नहीं जाते ग्रेजुअली जागते हैं धीरे धीरे करके जागते हैं ओके तो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल चेंज होता है सोए हुए अर्थात लोअर से कैसे हो जाते हैं हायर हो जाते हैं ओके जो सांप ऐसे था वो पूरा ऐसे फन्ना लेके आएगा ओके ये सांप तो नहीं हुआ ओके ऐसा होके आएगा ओके तो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होगा हो लोअर से हायर होगा हो कैसे होगा जब हम औरत को बीन देंगे अर्थात और बिंदो से हम ये से याद करेंगे ओके दिस इज द ट्रिक दे क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड एटीन का एक क्वेश्चन है इसमें कहा गया है चाइल्ड इज बोर्न लाइक ब्लैंक स्लेट ओके जब बच्चा पैदा होता है ब्लैंक स्लेट की तरह होता है लेटर उसको बिहेवियर को हम सेफ देते हैं कैसे वेरियस एक्सपीरियंस के द्वारा तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है ये जॉन लॉक ने कहा है तो हम कैसे याद करेंगे याद करेंगे देखो जॉन से आता है जॉनी 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 यस पापा ये जो राइम है बच्चों की राइम किससे रिलेट है चाइल्ड चाइल्ड से रिलेट है ए चाइल्ड इज बॉर्न ब्लैंक स्लेट ओके तो हम ऐसे याद करेंगे चाइल्ड के बारे में बोल रहा है तो जॉन ओके okay, जॉन से याद आएगा जॉन ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं देन कम टू द नेक्स्ट नंबर यह नंबर एट ये तो बहुत बार आया हुआ है 2020 में आया है दो में 2018 में सारे ईयर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन को तोड़ मोरूड़ के यही क्वेश्चन ही आता है ओके कॉज ओनली इफेक्ट ओनली बोथ कॉज एंड इफेक्ट नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट ओके तो इसको कैसे याद करेंगे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हम ऐसे याद करेंगे देखो एक राजा था पुरु ओके बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट था किसी का उसको प्रभाव नहीं था नो इफेक्ट था ओके किसी का इसको प्रभाव नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा राजा था पराक्रमी राजा था एक दिन क्या हुआ उसको एक काम के लिए एक जगह जाना पड़ा वहाँ पर उसने एक सुंदर युवती को देखा उसका नाम था प्रकृति उसको उसने शादी कर और उसके लिए एक महल बनाया क्या बनाया महल बनाया ओके okay. और महल इतना भव्य था इतना सुंदर था कि महल से प्रकृति का मोह हो गया ओके okay? तो इतना मोह हो गया कि राजा का मन क्या हो गया टूट गया ओके तो ये चारों स्टेप याद कर लो राजा था वो कैसा था सेल्फ डिपेंडेंट था किसका कोई भी प्रभाव नहीं था फिर उसने प्रकृति से शादी कर ली उसके लिए महल बनाए महल का मोह हो गया किसके साथ प्रकृति के साथ इसीलिए राजा का मन टूट गया ओके तो अभी देखो पूर्व राजा को हम कनेक्ट करेंगे नो no इफेक्ट के साथ नो इफेक्ट कहा है नो no इफेक्ट ये है पुरु राजा नो no इफेक्ट फिर शादी हुई शादी का कॉज कौन है कॉज ओनली शादी का कारण कौन बना प्रकृति बना तो कॉज ओनली कौन हो गया प्रकृति ओके फिर महल बना ये महल के कारण क्या हुआ महल प्रकृति के कारण बनी तो महल कॉज हुआ और महल के कारण मन भी टूटा तो ये इफेक्ट भी हो गया तो कॉज और इफेक्ट दोनों हो गया महल महल से याद आएगा महत ओके बोथ कॉज एंड इफेक्ट ये हो गया फिर देखो महल के कारण केबल मन भांगा केबल मन भांगा तो इसका केबल इफेक्ट आया तो इफेक्ट क्या है मन तो ये हो गया मन तो ऐसे करके हम ये स्टोरी के फॉर्म से हम इसको याद कर सकेंगे फिर है नाइन नाइन्थ है मैन मेकिंग एजुकेशन ओके ये भी बहुत फेमस है बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है मैन मेकिंग एजुकेशन किसने दिया है मैन मेकिंग ओके मैन मेकिंग एजुकेशन वास्तव में विवेकानंद ने दिया है तो इसको हम कैसे याद करें मैन मेकिंग ओके मैन मैन मतलब मनुष्य और पुरुष तो मनुष्य को बनाने वाला शक्ति कौन है वास्तव में जिसका विवेक जाग गया वो अच्छा मनुष्य बन जाएगा क्योंकि निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है उसको निर्णय करने की परख आ जाएगी तो कैसे हम याद करेंगे विवेकानंद से याद करेंगे विवेक को और विवेक से याद करेंगे मैन मेकिंग ओके तो ये है ट्रिक फिर है लास्ट टेंथ नियरेस्ट कोसर टू आत्मन अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसॉफी इज कॉल्ड व्हाट तो ये 2019 का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है इसका सीक्वेंस भी आया हुआ है ओके तो इसका आंसर जो है इसका आंसर है आनंदमय कोश ये है सेकेंड का क्वेश्चन ओके okay. तो इसको हम कैसे याद करेंगे ओके okay? तो ट्रिक माध्यम से याद करेंगे तो क्वेश्चन जो आता है नियरेस्ट कोश ऐसे दिया हुआ होता है नियरेस्ट क्वेश्चन तो नियरेस्ट कौन है आनंदमय है तो कैसे याद करेंगे कैसे तो देखो कोई भी सेलिब्रिटी के अगर हम नियरेस्ट होंगे तो हमको ज्यादा आनंद आएगा ओके हम जितना करीब होते हैं उतना खुशी होती है जितना हम दूर के रिश्तेदार होते हैं उतने आनंद नहीं आता तो नियरेस्ट से क्या याद करेंगे आनंद ओके तो नियरेस्ट कोसो हो जाएगा आनंदमय कोसो तो ऐसे करके हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपेरेशन को हेल्पफुल होगा ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए दिस इज Education with DB Sir signing off.